दोस्तों अक्सर आपने फिल्मों में नागिन और नाग की मौत का बदला लेते हुए तो जरूर देखा होगा। नागिन मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये जान लेती है कि उसके प्यार को उससे जुदा करने वाला आखिर कौन है, और फिर शुरू होती है एक नागिन के बनने की कहानी। ये तो रही सिल्वर स्क्रीन की बात, लेकिन अगर असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाए तो शायद आपके लिए यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। मुजफ्फरनगर में चढ़ावला की एक खास गाँव में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ एक परिवार ने नाग की हत्या कर दी, लेकिन नागिन को भूल गए। इस घटना के चौथे दिन नागिन ने बेटे को डसकर अपना बदला रख लिया। नागिन ने लिया बदला। बीते शुक्रवार को नरथावल के रोहिणी हरजीतपुर गांव में रहने वाले सलीम के घर में नाग नागिन का एक जोड़ा घुस गया। उस पर सलीम और बाकी घर वाले लाठियां लेकर दोनों को मारने दौड़े। नागिन तो कहीं छिप गई, लेकिन परिवार के सदस्यों ने नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद सबने सोचा कि नागिन बाहर निकल गई, इसीलिए किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। नाग को मारने के बाद पूरा परिवार चैन से रह गया, लेकिन सोमवार को वो अनहोनी हुई जिसके बारे में सिर्फ आपने सुना है या फिल्मों में देखा है। दोस्तों सलीम के घरवाले के मुताबिक उन्हें पता ही नहीं था कि नाग को जिस वक्त मारा जा रहा था उस वक्त नागिन घर में ही रह चुकी थी। उन्होंने बताया कि सोमवार रात को सलीम का 15 साल का बेटा जावेद सोया हुआ था, तभी नागिन ने आकर उसे डस लिया। जावेद जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब घर वाले उसके पास पहुंचे तो नागिन वहां से जा चुकी थी और जावेद बेहोश होने लगा था। नागिन के जावेद को डसने के बाद जब उसे तुरंत झाड़ फूक करने वाले ओझा के पास ले गए तो उसकी हालत बिगड़ने लगी और ओझा ने भी हाथ खड़े कर लिए। इसके बाद जावेद को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जावेद को देखते ही कह दिया कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद जावेद की मौत हो गई। सलीम के मुताबिक नागिन ने उसके बेटे को मारकर अपनी नाग की मौत का बदला ले लिया। सलीम के घरवालों ने केवल कहावत ही सुनी थी कि नाग की मौत का बदला नागिन जरूर लेगी, लेकिन उनके परिवार में ये कहावत सच हो गई। बेटे की मौत के बाद परिवार के बाकी सदस्य भी दहशत में आ गए। एक तरफ बेटे को खोने का गम घरवालों की आंखों से आंसू बनकर बह रहा था, तो वहीं नागिन के इंतकाम के डर से सबकी नींद गायब हो गई। ऐसे में घरवालों की मदद से परिवार में काफी मशक्कत करने के बाद नागिन को भी खोज निकाला और उसको भी पीट पीट कर मार डाला। दोस्तों इस तरह नागिन ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन कभी संभव था अगर आपके घर पर भी नाग नागिन का जोड़ा है